जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप वास्तु से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज हमने एक समस्या हमारे सामने आ गई किसी धर्म प्रेमी बंधु की। समस्या ये आ गई कि उनके घर में आए दिन पुलिस का आना जाना स्टार्ट हो गया। आए दिन घर के अंदर परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं, घर के अंदर क्लेश होने लगा, घर के अंदर अशांति होने लगी, घर खाने को दौड़ने लग गया। तो जब हम उसके घर में पहुंचे तो पता लगा कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास आ गया। अब वो हमसे कहने लगे, साहब पड़ोसी ने तंत्र विद्या कर दी, हमारे सामने वाले ने कर दी, या फिर हमारे घर परिवार का कोई सदस्य आया उसने तो नहीं कर दी, कि घर में पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते थे, परंतु आजकल तो सब एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा है, एक दूसरे को मारने को दौड़ता है, घर में कोई रहता ही नहीं, एक दूसरे के सामने बैठते नहीं, इतना उच्चाटन हो गया। तो आज हम बस इस इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं होता है कि तंत्र विद्या हुई है या कोई वास्तु दोष हुआ है। यदि घर के अंदर कंपास लेकर के आप बैठ जाओ पहले तो, और जो कंपास है ना, मैग्नेटिक कंपास जो आता है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, जो भी मिलता है आप वो खरीदो, और यह देखो कि यदि आपके अग्नि कोण में लेटरिंग बाथरूम बन गई हो, अग्नि कोण का मतलब होता है अग्नि कोण, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे अग्नि कोण बोला जाता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर यदि किसी ने घर बना लिया और भगवान का कमरा भी बना लिया, या फिर लेटरिन बाथरूम बना ली, तो मान के चले उस घर के अंदर उच्चाटन हो जाता है, यानी स्वतः तंत्र हो जाता है, और उसका प्रभाव घर परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, और धन की कमी होने लगती है, धन नहीं बचता है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं परंतु दिमाग काम नहीं करता है, और फिर घर परिवार वाले कहते हैं कि तंत्र विद्या हो गई, और तांत्रिक लोग भी मजे लेते हैं फिर कि हाँ साहब ठीक है, आपके यहाँ की ये निकाल देंगे, नकारात्मक ऊर्जा निकाल देंगे, इतने पैसे लगेंगे, ये हवन करना पड़ेगा, ये उतारा करना पड़ेगा, ये मुर्गा देना पड़ेगा, वो भी पैसा खर्च करवाते हैं। तो भटको मत आप, पहले सबसे पहले यदि घर के अंदर क्लेश हो, दुख हो, अशांति हो, परेशानी हो, पैसे नहीं बचता हो, दरिद्रता रहती हो, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो, तो समझ जाओ कि घर के अंदर वास्तु दोष है, लेटरिंग बाथरूम गलत तरीके से बने हुए होते हैं, गलत दिशा में बने हुए होते हैं। दूसरी चीज, यदि अग्नि कोण में आपने किचन नहीं बनाया और वहां पे भगवान बिठा दिया और वहां बैठ करके यदि आप पूजन अर्चन करते हो, तो भी घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति और दरिद्रता, ये चार चीज आ जाती है। यदि आपने लेटरिंग बाथरूम बनाए हैं और उस लेटरिंग बाथरूम में जो शीट लगती है जिस पर बैठ करके शौच किया जाता है, यदि आपने वो पूरा पश्चिम मुखी लगा दी, तो भी मान करके चलो आपको वास्तु दोष लगने लगता है। अब कुछ वास्तु शास्त्री उसका अल्टरनेट उपाय बता देते कि नमक रख दो, एक त्रिभुज रख दो, कोई चौकोर रख दो, कोई पिरामिड रख दो, कुछ नहीं होता इससे, ये सिर्फ आपको सांत्वना देने का तरीका है। दोष तो दोष है, उसका
कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए उस दोष को खत्म करो। तो लेटरिंग बाथरूम की जो लेटरिंग की शीट होती है जिस पर बैठ करके शौच किया जाता है, वह पूरा पश्चिम नहीं होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, अन्यथा घर के अंदर क्लेश होगा, दुख होगा, अशांति होगी, परेशानी होगी। और पूरब दिशा की ओर कभी भी लेटरिंग बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, हमेशा लेटरिंग बाथरूम अपने मकान का जो नक्शा बना है उसका आधा भाग जो होता है पश्चिम दिशा का, उसके भाग पे बनाना चाहिए। और ईशान कोण जो होता है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं, उत्तर पूर्व कोना हिंदी में बोलेंगे तो इस उत्तर पूर्व कोने में भगवान का स्थान होना चाहिए, पूजा रूम होना चाहिए, भगवान की पूजा होना चाहिए, तो सबसे अच्छा माना जाता है। परंतु कई घरों में हम जाते हैं देखते हैं तो पता लग रहा था अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बजाय साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपने बना लिया भगवान का स्थान, गलत बना लिया, तो भी आपको समस्या उत्पन्न होती है। तो घर के अंदर जैसे ही दुख आ जाए, घर के अंदर परेशानी आ जाए, घर के अंदर क्लेश होने लग जाए, पति पत्नी में झगड़ा होने लग जाए, पिता पुत्र में झगड़ा होने लग जाए, बाप बेटी में झगड़ा होने लग जाए, या बच्चे पढ़ते पढ़ते दिमाग काम नहीं करे उनका, बहुत पढ़ते हैं पर तो नंबर अच्छे नहीं आते हो, बहुत मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता हो, आस पड़ोस वालों से झगड़ा होते रहता हो, घर के अंदर आपस में झगड़ा होते रहता हो, तो समझ जाओ कहीं न कहीं पे आपने मकान गलत ले लिया, उसको ठीक कराना वास्तु दोष होता है। तो ईशान कोण में केवल भगवान का कमरा होना चाहिए, अग्नि कोण में केवल किचन होना चाहिए, और लेटरिन बाथरूम पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व में मुख करके शौच या यूरिन नहीं करते हैं, और दक्षिण पश्चिम कोने पे कभी भी दरवाजा नहीं होना चाहिए, प्रवेश द्वार, अन्यथा प्रेत प्रवेश करते हैं। दक्षिण पश्चिम कोने में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस घर के अंदर भी दुख अशांति परेशानी और क्लेश होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। घर के अंदर मतलब घर जहां पे बना हुआ होता है उसके ऊपर पीपल की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा घर के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर प्रेतों का वास होता है, पितरों का वास होता है, इसलिए घर में पूजा नहीं करते हैं, पीपल की बाहर जाके पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। और पीपल की छाया या फिर बेलपत्री की छाया या फिर वटवृक्ष की छाया मकान के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अंततः उस मकान में रहने वाले व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यदि आपके मकान में मकान के ऊपर मकान की छत पर ऐसा कोई पेड़ की छाया पड़ती हो, मंदिर की छाया भी पड़ती हो, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा मंदिर है और उस मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही है, तो उस मकान में रहने वाले व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं घर के अंदर क्लेश होने के, दुखी होने के, परेशानी होने के, कष्ट होने के, दरिद्री होने के और बीमारी रोग होने के। और कई बार तो ऐसे मकान में चले जाते हैं जहां पर ऋण चढ़ जाता है, नुकसान पे नुकसान होता रहता हो, चोरियां होने लग जाती है, पर्स चोरी हो जाता है, ऑटोमेटिक अलमारी से पैसा गायब हो जाता है। यदि मकान के अंदर जैसे हम जिस मकान में रहते हैं कई बार उसकी जमीन के अंदर किसी की डेड बॉडी गड़ी हुई हो, डेड बॉडी आने समझ गए होंगे, किसी की शरीर, किसी का शरीर दफन हो अंदर और उसके ऊपर मकान बना लिया हो, तो ऐसे मकान में रहने वाले मनुष्य भी कभी सुखी नहीं हो सकते। तो किसी जानकार व्यक्ति से मकान को पहले खरीदने के पहले या बनाने के पहले प्लाट की जांच करवा लेना चाहिए कि उस प्लाट में कहीं पे गाय की हड्डी तो नहीं पड़ी हुई है, सुअर की हड्डी तो नहीं पड़ी हुई है, किसी मनुष्य की हड्डी तो नहीं अंदर, या फिर उस प्लाट को बोर मतलब प्लाट बना दिया गया परंतु उस प्लाट के पहले उस स्थान पर कुआ रहा हो, कुआ वेल इंग्लिश में बोलते हैं। कई बार बिल्डर लोग क्या करते हैं, पुराने जमाने में कुएं हुआ करते थे तो उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल के जो है कुएं को बूर देते हैं, बंद कर देते हैं, दबा देते हैं और फिर उसके ऊपर मकान बना करके बेच देते हैं।
तो जिस जगह पे यदि कुआं था और कुएं को बूर करके उसके ऊपर प्लेन करके मकान बना दिया गया, तो उस जगह रहने वाले मनुष्य भी कभी भी पूरी जिंदगी भर सुखी नहीं रह सकते। तो एक बार जो भी मकान खरीदें, प्लाट खरीदें, पहले अच्छे से चेक कर लें कि हम जो जमीन खरीद रहे पहले कोई शमशान तो नहीं था, वहां बच्चे तो नहीं गाड़े जाते थे, वहां शव तो नहीं जलाया जाता था, या फिर मकान बनते समय कभी कभी वहां पे लेबर की हत्या हो जाती है, कोई लेबर मर जाता है, ऊपर से गिर के मर जाता है, करंट लग के मर जाता है। तो फिर जिस जगह ऐसी मर्डर हो जाता, हत्या हो जाती है, या करंट से मर जाता है मनुष्य, या ऊपर से बनाते बनाते समय कुश्ती टूटने की वजह से गिर गया और मर गया, तो ऐसे मकान में भी कभी नहीं रहने जाना चाहिए, अन्यथा कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा भटकती है वहां पे। आत्मा जहां पर मरती है वहीं पर ही रहती है और वो परेशान करती है फिर। इसलिए जो भी मकान खरीदें या मकान में रहें या जमीन खरीदें, पहले बहुत ही सोच समझ करके आपको ध्यान रखना।